आकाश सर आज क्या है स्कूल में? वही मुझे लग रहा है कि जो एनसीसी का कैंप चल रहा था ना। अच्छा, तो सर प्रिंसिपल हमसे परमिशन लेते हैं, लगता है क्लास के बाद मिलेगी। चलते हैं बेटा मैम के ऑफिस में। मैगविन मैम, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। बच्चों आपकी दुआएं काम करी। अभी हमें अरे सर हम कहाँ आ गए सर? ये आकाश सर आए तो स्कूल ही थे सुबह, पर आज तो स्कूल में माहौल ही बदला बदला सा लगा। आकाश सर आज क्या है स्कूल में? वही मुझे लग रहा है कि जो एनसीसी का कैंप चल रहा था ना। अच्छा, तो वही सब चीज की प्रिपरेशन है। तो बच्चों आज हमारे स्कूल में लगा है एनसीसी का कैंप, हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है ब्लॉग में। आप लोग वही बने रहो पूरे ब्लॉग में, दिखाएंगे क्या क्या सिस्टम, मतलब क्या क्या चीजें एनसीसी ट्रेनिंग में चल रही हैं, कौन कौन से आज इवेंट्स होने हैं सर, है ना, कैडेट्स के। और हम लोग भी आज क्या करने वाले हैं पूरे पूरे स्कूल, मतलब पूरे दिन में स्कूल में। सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लास है, क्लास के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्लास के बाद फिर हम लोग क्या क्या चीजें एंजॉय करने वाले हैं वो सब आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या क्या तैयारियां हैं। ये एंट्री पे ही जो बच्चों के एंट्री वगैरह होती हैं गेट पे ही लगाया हुआ है। देन आगे सामने आई थिंक मिरर सा लगा है, हमें ज्यादा आइडिया नहीं था चीजों का वैसे, और हम भी गए उसमें लिखा था एम आई स्मार्ट, हमने देखा अपने आप को हम कितने स्मार्ट लग रहे थे आज, ठीक है। देन फिर और हमने देखा इधर क्लासेस वगैरह, खाना वगैरह बच्चे खाते हैं इधर, ये सब इनके जो लगे हुए हैं, ठीक है जी। चलते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट। सर सारे प्रिपरेशंस देखे, बच्चों आपने भी देखे, तो अभी हमारा भी कर रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अभी मतलब लग रहा है हम लोग को भी कि क्या हम लोग थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वेशन अपना रख सकते हैं। तो सर प्रिंसिपल हमसे परमिशन लेते हैं, लगता है क्लास के बाद मिलेगी, आइए पूछते हैं ऑनलाइन क्लास का चक्कर। चलो मैम से पूछ के देखते हैं बेटा कि परमिशन मेरे को मिलती है नहीं मिलती है, पहले तो क्लास होनी है तो कन्फर्म है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है जी, मिलते हैं। तो स्कूल में एंटर कर गए हैं और अभी हम जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस। क्या लगता है परमिशन मिलेगी हम लोग को? क्योंकि भाई ऑर्डर तो ये था सर, ऑर्डर तो ये था कि हम लोग को ऑनलाइन क्लास हमें लेनी है। वैसे मेरी तो दो ही क्लास है आज के दिन में, मेरी भी एक ही है। लगता है मिल जानी चाहिए, टाइम तो है, मिल जाएगी। देखो क्या होता है, चलते हैं मैम के ऑफिस में, ठीक है, लेट्स गो। पा रहे हो मैम के ऑफिस के बाहर जो हमारा ऑडिटोरियम हॉल है, एनसीसी वाले बच्चों की क्लास उसमें चल रही है। हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर मैम के ऑफिस पे, भी फिर बेटा मैम के ऑफिस पे पहुंच चुके हैं, होप कि हमें परमिशन मिल जाए। तो चलते हैं देखते हैं कि परमिशन मिलती है नहीं मिलती मैम से। चलते हैं बेटा मैम के ऑफिस में। मैगविन मैम, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम, आई एम ऑल फाइन, थैंक यू मैम। एक्चुअली आई एम एक्चुअली वी आर शूटिंग अ ब्लॉग for everything is going in the school. And actually, we also want to participate in the... Good thing. You can go ahead. Okay, ma'am. So, surely, my permission is with you. Because you're so... बच्चों आपकी दुआएं काम करी, अभी हमें उधर जाने का मैम से परमिशन मिल गया है, परमिशन मिल गई है, ठीक है। मैम ने बोल दिया हम लोग जा सकते हैं, तो हम दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे क्या क्या फंक्शंस होने वाले हैं, क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए, और उसमें हम किस तरीके से अपना अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो भाई हम पहुंच चुके हैं नीचे, मैम का परमिशन तो हमें मिल गया था, बट जैसे हम लोग नीचे पहुंचते हैं ग्राउंड में, आर्मी वाले लोग हमें अलाउ नहीं करते मतलब इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, बट हम लोग इन्जॉय करते हैं, देखते हैं यहाँ से। और हम देख पा रहे हैं कितना डिसिप्लिनड ये लोग हैं, और ये एनसीसी कैडेट्स हैं सारे, जिस तरीके से परेड कर रहे हैं, जिस तरीके का डिसिप्लिन इनका है बेटा, हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। हमने देखा हमें जाना अलाउ नहीं था ग्राउंड में, एंटर करना अलाउ नहीं था, पर हमने ग्राउंड के बाहर से इसको एंजॉय किया, और फिर हमने वहाँ पे बातें भी करी जो हमारे आर्मी के मेंबर्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे बेटा, कि हम किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो। तो हम चल दिए अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जहाँ आप बेटा इन कैडेट्स को फायर फाइटिंग सिखाई जा रही है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो आपको दिख रही होगी बेटा, वहाँ पर आ चुकी है, तैयार है, ठीक है। और अभी ये सिखाएंगे, हम लोग भी सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से फायर से फाइट करना है, अगर कहीं आग लग जाती है तो किस तरह हम लोग उसको बेटा शांत कर सकते हैं, बोले तो बुझा सकते हैं दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से उन्होंने सिखाया, किस अलग अलग मेथड से बेटा मैं बताया है किस तरीके से हम लोग बेटा फायर से फाइट कर सकते हैं। तो ये भी एक उसका पार्ट था इवेंट का, देख के अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। और इमरजेंसी केस में चीज़ें कैसे काम आती हैं, किस तरह से हमें उसको मेंटेन रखना है, वो भी हमें यहाँ से आइडिया लगा,
ठीक है। तो इस तरीके से देखो उन्होंने सब कुछ बताया, इसकी कितनी दूरी तक ये पानी जा सकता है, लैडर इनका 15 मीटर का होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिली और हमने वो सब वहाँ पर सीखा। तब हम लोग हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ। और अब नेक्स्ट इवेंट हमारा बेटा, हम लोग गए शूटिंग रेंज, आए शूटिंग सिखा रहे थे कैडेट्स को, देखा हमने बहुत अच्छा लगा और ये अच्छे से टारगेट सेट कर रहे थे, तो हमारा मन हुआ कि क्यों ना हम भी शूटिंग में इन्वॉल्वेशन अपना रखें। और हमने परमिशन मांगा तो सर ने बोला ठीक है, हम राइफल्स में अपनी जो राइफल्स इनके पास थी बेटा उसमें गैसेस रिफिल कर लेते हैं। तो उन्होंने रिफिल किया इस तरीके से और फिर हमें परमिशन फाइनली मिला। परमिशन मिला, मैं और लक्ष्य सर दोनों हम लोग पहुंचे। अब देख पा रहे होंगे ट्राई किया हमने बहुत कुछ करने का, तो क्या होता है रिजल्ट, हमें भाई 5-5 टारगेट्स मिले और पर टारगेट हमें 10 मार्क्स मिलने थे मैक्सिमम। तो मैंने 5 टारगेट हिट किए, मुझसे आई थिंक मेरे 39 मार्क्स उन्होंने हमें दिए आउट ऑफ 50। लक्ष्य सर को बहुत सारा प्रशिक्षण दिया गया, बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई राइफल की, और एक अमेजिंग पार्ट इसमें आने वाला, मुझे ऐसी आ रही है बोलते मैं भी, उस टाइम बहुत आजा और सर का एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ। तो सर ने उनको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, अब देख पा रहे होंगे दो दो हमारे सोल्जर्स लगे हुए हैं, 3-3 लगे हुए हैं इवनली, और सर को सिखा रहे हैं कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है। और आंखों पे भी इन्होंने कुछ लगाया है सर के, कुछ पेपर टाइप, जिससे कि उनको प्रॉपर दिख पाए। लेकिन बार बार वो पूछते थे कि आपको अब दिख रहा है, तो सर का जवाब एक ही था, नहीं सर नहीं दिख पा रहा है मेरे को। तो पॉइंट रहा कि बहुत सारी कोशिशें इन्होंने करी, उसके बावजूद भी लक्ष्य सर अपना टारगेट हिट नहीं कर पाए, बहुत सारे तरीके से सिखाया, लेकिन फाइनली जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर इनको सोल्जर्स को ही अपना बेड़ा उठाना पड़ा कह सकते हैं, और सर का एक टारगेट हिट करवाना पड़ा, 0 मार्क्स ना आए इसकी वजह से। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो किस तरीके से अलग अलग एंगल से सोल्जर्स लगे हुए इनके साथ इन्हें सिखाने में, और फाइनली हम लोग बहुत हंसे, पूरा स्टाफ पीछे खड़ा हुआ आप देख पा रहे, सारे लोग बहुत हंस रहे। और जब इनका टारगेट हिट नहीं हुआ तो फिर हुआ ये कि जो आर्मी मैन थे जो सिखा रहे थे, उन्हें सर के पीछे आना पड़ा, उनकी जो बंदूक थी, जो उनकी गन थी, उसको होल्ड करके टारगेट लगवाना पड़ा। और देखो इनका के सटीक निशाना लगा, लास्ट मैन के बिल्कुल एक चांस इनका बचा था, आप देख पा रहे होंगे पीछे आ चुके हैं ये जस्ट। और ये मतलब एक बहुत एक इंटरेस्टिंग और हंसी वाला फैक्ट भी था, लेकिन बाय द वे जब उन्होंने इनसे निशाना लगवाया लास्ट में इस तरीके से बैलेंस करके, देखो सिखाने के बहुत सारे तरीके इनके पास हैं, अगर कैडेट चाहे तो अच्छे तरीके से सीख सकता है। देखो आप देख रहे हैं लक्ष्य जस्ट हम आए थे इस इवेंट को करके बेटा, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि इन लोगों ने हमारे लिए खाना ऑर्गेनाइज किया है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग खाना हमने खाया और एंजॉय किया पूरा दिन, थैंक यू। तो होपफुली भाई बेटा आपने एंजॉय किया होगा पूरे ब्लॉग को और आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इसमें से। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे कैंप का हिस्सा बनना, चीज़ों को सीखना, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा स्कूल दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, खैर ठीक है।